राधे राधे फ्रेंड्स, ओम गम गणपते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी नई वीडियो में आपका स्वागत है। दुर्गा क्षमा प्रार्थना हिंदी में अनुवाद सहित। दुर्गा सप्तशती पाठ के बाद या देवी भगवती के किसी भी स्त्रोत का पाठ करने के बाद अंत में साधक को दुर्गा क्षमा प्रार्थना का पाठ करना चाहिए। इसके मंत्रों को पढ़ते हुए साधक को अपने द्वारा किए गए पापों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। साथ ही पूजा में जो कोई भूल चूक हो जाए या जो भी कमी रह गई हो उसके लिए भी देवी से क्षमा याचना करनी चाहिए। साधक को चाहिए कि क्षमा प्रार्थना करते समय देवी भगवती का माता के रूप में ध्यान करके साधना घोषित करने की विनती करें। सभी देवी देवताओं की पूजा में मंत्रों का जाप विशेष रूप से किया जाता है। पूजा से जुड़ी सभी क्रियाओं के लिए मंत्र बताए गए हैं। प्रार्थना, स्नान, ध्यान, भोग के मंत्रों की तरह ही क्षमा याचना के मंत्र भी हैं। पूजा करते समय जाने अनजाने हमसे कई तरह की भूल चूक हो जाती है। पूजा से जुड़ी इन भूलों के लिए क्षमा याचना मंत्र बोला जाता है। जब हम अपनी गलतियों के लिए भगवान से क्षमा मांगते हैं तभी पूजा पूरी होती है। परंपरा का संदेश, क्षमा मांगने देर न करें। पूजा में क्षमा मांगने का संदेश ये है कि दैनिक जीवन में हमसे जब भी कोई त्रुटि हो जाए तो हमें तुरंत ही क्षमा मांग लेनी चाहिए। क्षमा के इस भाव से अहंकार खत्म होता है और हमारे रिश्तों में प्रेम बना रहता है। इस परंपरा का आशय यह है कि भगवान हर जगह है, उन्हें न आमंत्रित करना होता है और न विदा करना। यह जरूरी नहीं कि पूजा पूरी तरह से शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार ही हो। मंत्र और क्रिया दोनों में त्रुटि हो सकती है। इसके बावजूद क्योंकि मैं भक्त हूँ और पूजा करना चाहता हूँ, मुझसे त्रुटि हो सकती है, लेकिन भगवान मुझे क्षमा करें, मेरा अहंकार दूर करें, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूँ। क्षमा प्रार्थना। देवी क्षमा प्रार्थना हिंदी अनुवाद सहित नित्य पूजा के बाद बोलें यह क्षमा प्रार्थना। ओम अपराध शैशानि क्रियन्ते हर्षनम मया दासो अमिति मा मत्मा क्षमतोम परमेश्वरी। आवानम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजाम चैनम जानामि क्षम्यतम परमेश्वरी। हे परमेश्वरी, परम भगवती, रात और दिन मेरे द्वारा सहस अपराध हुआ करते हैं। मैं आपका दास हूँ ऐसा समझकर तुम उस पर कृपा करके मेरे अपराधों को क्षमा करो। ना मैं आह्वान करना जानता हूँ, ना मैं विसर्जन करना जानता हूँ, ना पूजा करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मेरे अपराधों को क्षमा करो। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। अपराध शतम कृत्वा जगदम्बेति चोचरेत या गतिम समोपनाप्ति नताम ब्रह्मदेश्वरा। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, ना मैं मंत्र को जानता हूँ, क्रियाहीन, ना मैं क्रियाओं को जानता हूँ, भक्तिहीन, ना मैं भक्ति के प्रकार को जानता हूँ, पूजन किया है तो वो सब आपकी कृपा और दया से पूर्ण हो। 100 प्रकार के अपराध करने के बाद भी भक्तगण आपकी शरण में आकर सिर्फ जगदम्बा बोलकर भी गति को प्राप्त करते हैं। उसे ब्रह्मा आदि देवगण भी प्राप्त करने में असमर्थ हैं। स अपराधो अस्मि शरणम प्राप्त स्वाम जगदम्बिके इदानीम अनुकंपोम अहम यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानमस्ते भ्रांत्यम यन्युम अधिकम कृतम तत्सर्वम क्षम्यताम देवी प्रसिद्ध परमेश्वरे। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, तुम्हारी शरण में आया हूँ। मैं दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो करो। मुझसे अज्ञानवश जो भी अपराध हुआ है उसे आप क्षमा करो और मुझ पर प्रसन्न हो। कामेश्वरी जगन माते सच्चिदानंद विग्रहे घृणाम आचारमीमां प्रीत्या प्रसिद्ध परमेश्वरी। गुह्याति गुह्यम गोप्त्री त्वम घृणाम अश्मकृतम जपम। सिद्धि भवतु मे देवी त्वत्प्रसादरत सुरेश्वरी। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगन माता परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी इस पूजा को स्वीकार करो। ओ मुझ पर सदैव प्रसन्न रहो।
देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो, मेरी इस प्रार्थना को जप को ग्रहण करो, तुम्हारी ही कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्ति हो। श्री दुर्गा अपनम अस्तु। राधे राधे, राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।